हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो आज है छठ पूजा का डे टू, तो हम लोग रेडी हो गए हैं। अभी 4:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग घाट में जाने वाले हैं और बहुत कुछ वहाँ पे होगा। आज के दिन लोग पानी में जाएंगे, अर्घ वगैरह देंगे, सो वो सब मैं दिखाऊंगी। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहना, चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे हमारा दौरा भी तैयार है और यहाँ पे बहुत सारे सामान भी है और उनको लेकर भी जाना है साथ में। सिद्धार्थ भी रेडी हो गया है ना, सिद्धार्थ हेलो करो। हम लोग आ गए हैं घाट पर और मम्मी यहाँ पे अभी ये सजा रही है, कोसी भरेगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ गए हैं। इतनी सुबह भाई, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है अभी। और यहाँ पे आके कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे म्यूज़िक चल रहा है और यहाँ पे लोग हैं, सब पूजा में भी व्यस्त हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिवाली, एकदम दिवाली की तरह सजा रखा है। छठ पूजा भी हमारा बहुत ही बड़ा महान पर्व होता है, उसके लिए आप भीड़ तो देख ही सकते हो। और छोटे बच्चों के लिए ये भी मिल रहा है जो हेयर में लगाते हैं। लगाएगी अंकिता? नहीं, लगाएगी तो पहन लूंगी, चलना पैसे नहीं है। और मेरा भाई भी आ गया दौरा लेके, मुझे दिख गया दूर से ही। बोरा अभी आ रहा है दौरा लेके। वो भाई बहुत भारी था दौरा, क्योंकि हमने वो छोटे छोटे उठाए थे ना, उससे ही पता चल गया था। आ गया। और यहाँ पे मानसी भी सामान लेकर आया है, क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादा सामान होता है तो सबको उठाना पड़ता है सामान। और अभी मम्मी कोसी भरने की तैयारी करेगी। और ये जो दिया है वो रात भर जलना चाहिए, इसलिए अभी भी जलना है। और यहाँ पे आके सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पटाखे वगैरह भी फोड़े जा रहे हैं, अनार। दोबारा बम फोड़ रहे हैं, छुपके फोड़ रहे हैं, वही तो बड़ा वाला फोड़ रहे हैं। ओ नो यार, पता नहीं लोग कैसे फोड़ लेते हैं। अभी मैं इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद इन्हें नहीं पता है, मुझे लग रहा नहीं पता है। देख अभी मत आएंगे, जब हम बोलेंगे ना तब आएंगे। पहली अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, फेंक दे। अरे क्या हो गया साड़ियों में? अरे धुआं आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ऊपर ऊपर नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, फेंक दे। मैं क्या नाक से धुआं निकल रहा था अभी। नाक से धुआं निकाल के दिखा दो। नाक से धुआं निकाल के दिखाओ लोगों को। दिखाओ। करेंगे फिर। अभी सभी लोग सूर्योदय होने का वेट कर रहे हैं। अच्छे लग रहे बहुत। व्रत कब टूटेगा? थोड़ी देर में। थक गए हो? यहाँ पे देखो लोग कैसे पानी में खड़े हैं भाई। मेरे को तो देख के रूप आप जा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तो कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। और आंटियाँ तो पानी में नहाती भी हैं। कितनी ज़्यादा ठंड है आप, कितना कठिन पर्व है ये। अभी अर्घ देने का भी टाइम हो रहा है, बस थोड़ी देर में। और मेरे भाई लोग पानी में जाएंगे, मैं भी अभी सोच विचार कर रही हूँ पानी में जाने के लिए कि जाऊँ या ना जाऊँ। मम्मी पानी में कब जाओगे? पानी में कब जाओगे? हाँ थोड़ी देर में। टाइट जींस तो उतर के नहीं होगी।
भाई बट बहुत है भाई पड़ेगा उसके नहीं नहीं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं पानी के अंदर, बहुत मुश्किल से आए हैं। और मतलब पहले हमें लगा था पानी गर्म होगा, मतलब गर्म ही नहीं नॉर्मल होगा, पर पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है। मैं 2-3 साल बाद आ रही पानी। तुम पहले ये कर लो नहीं मैं काम करता हूँ, मैं इधर आराम से बैठ जाता हूँ। काली का लुट्टी कैसे भी चलेगी, जिंदा होनी चाहिए। तुम पहले ये कर लो, काम करते हम शादी वादी चढ़वा के तुम्हारे साथ गन्ना खेल लेते। पानी से बाहर आ गए और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और सब लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। मम्मी का फास्ट भी ख़त्म हो गया अब और मेरे पैर भीग गए हैं, तो मेरे को बड़ा ठंड लग रहा है बट अच्छा लग रहा है। चलो हम भी गरम गरम चाय पीते हैं, बचता है तो हमें भी मिल जाएगा। और पैर का दे भाई, अच्छा है। चलो थैंक गॉड चाय मिल गया। अभी आधा पार खाली हो चुका है, आधे से आधे घर जाती है और हम लोग भी घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी भैया दौरा उठा रहा है और बड़े भैया के ऊपर रखेगा सर के ऊपर और ये घर लेके जाएगा अभी।